खुशखबरी खुशखबरी खुशखबरी। जी हाँ दोस्तों, आप सभी को जय मसीह की। प्रभु में आप सब खुश होंगे। आज का विषय है कि परमेश्वर की ओर से क्या खुशखबरी है। स्वर्ग में प्रवेश पाने का सुनहरा अवसर आप सभी के लिए। योग्यता क्या क्या होनी चाहिए हमें, आज मैं तुम्हें वही बताने जा रहा हूँ। नंबर वन, अपने पापों को मान ले। पहला यूहन्ना अध्याय 1:9 से, यदि हम अपने पापों को मान ले तो वह हमारे पापों को क्षमा करने और हमें सब अधर्म से शुद्ध करने में विश्वास योग्य और धर्मी है। नंबर दो, अपने आप को यीशु के लहू से धो ले। वचन देखेंगे हम इब्रानियों की पत्री 10:19। सो हे भाइयों, जबकि हमें यीशु के लहू के द्वारा उस नए और जीवते मार्ग से पवित्र स्थान में प्रवेश करने का हिया हो गया है। नंबर तीन, यीशु के पीछे चलते रहिए। मत्ती अध्याय 10:37-39, जो माता या पिता को मुझसे अधिक प्रिय जानता है वह मेरे योग्य नहीं, और जो बेटा या बेटी को मुझसे अधिक प्रिय जानता है वह मेरे योग्य नहीं, और जो अपना क्रूस लेकर मेरे पीछे न चले वह मेरे योग्य नहीं, जो अपने प्राण को बचाता है वह उसे खोएगा, और जो मेरे कारण अपना प्राण खोता है वह उसे पाएगा। स्वर्ग में जाने के लिए आयु सीमा, छोटे से लेकर बुजुर्ग सभी। वचन देखेंगे हम प्रकाशित वाक्य 20:12। फिर मैंने छोटे बड़े सब मरीहों को सिंहासन के सामने खड़े हुए देखा, और पुस्तकें खोली गई, और फिर एक और पुस्तकें खोली गई, और फिर एक और पुस्तकें खोली गई, अर्थात जीवन की पुस्तक, और जैसे उन पुस्तकों में लिखा हुआ था उनके कामों के अनुसार मरे हुओं का न्याय किया गया। फीस यीशु ने लहू बहाकर चुका दी है। बाइबल से वचन देखेंगे हम 1 कुरिन्थियों 6:20 में, क्योंकि दाम देकर मोल लिए गए हो, इसलिए अपने देह के द्वारा परमेश्वर की महिमा करो। प्रमोशन के बाद यीशु मसीह और परमेश्वर पिता से मिलन। वचन देखेंगे हम प्रकाशित वाक्य 22:5 से और 12-15 तक, और फिर रात न होगी और उन्हें दीपक और सूर्य के उजाले का प्रयोजन न होगा, क्योंकि प्रभु परमेश्वर उन्हें उजाला देगा और वे युगानायुग राज्य करेंगे। देख, मैं शीघ्र आने वाला हूँ और हर एक के कामों के अनुसार बदला देने के लिए प्रतिफल मेरे पास है। मैं अल्फा और ओमेगा, पहला और पिछला, आदि और अंत हूँ। धन्य वे हैं जो अपने वस्त्र धो लेते हैं, क्योंकि उन्हें जीवन के पेड़ के पास आने का अधिकार मिलेगा, और वे फाटकों से होकर नगर में प्रवेश करेंगे, पर कुत्ते और टोने और व्यभिचारी और हत्यारे और मूर्ति पूजक और हर एक झूठ का चाहने वाला और गढ़ने वाला बाहर रहेगा। तो आज ही अपना नाम जीवन की पुस्तक में दर्ज करवाइए। अंतिम तारीख, आपकी मृत्यु के दिन तक, यीशु मसीह के पृथ्वी पर दूसरा आगमन तक।
अधिक जानकारी के लिए पढ़ते रहे प्रतिदिन बाइबल के पवित्र वचन। आशा करता हूँ कि आपको ये बाइबल के पवित्र वचन सुनकर बहुत अच्छा लगा होगा। बाइबल का आखिरी वचन सबोपदेशक की पत्री 12 अध्याय 13 आयत से 14 आयत तक। सब कुछ सुना गया है। अंत की बात यह है कि परमेश्वर यहोवा का भय मान और उसकी आज्ञाओं का पालन कर, क्योंकि मनुष्य का संपूर्ण कर्तव्य यही है। क्योंकि परमेश्वर सब कामों और सब गुप्त बातों का, चाहे वे भली हो या बुरी हो, न्याय करेगा। दोस्तों, आखिरी बात यहाँ देखने में आती कि सब कुछ सुना गया। अंत की बात यह है कि परमेश्वर यहोवा का भय माने और उसकी आज्ञाओं का पालन करे, क्योंकि मनुष्य का संपूर्ण कर्तव्य यही है। तो आज हमें परमेश्वर की आज्ञा के अनुसार चलना है और उसके डर और उसके भय में हमें जीवन जीना है और परमेश्वर के नाम की महिमा करते रहना, और हमें दिन प्रतिदिन प्रार्थना करना है और बाइबल के पवित्र वचन हर दिन पढ़ना चाहिए। प्रभु इन वचनों को सुने जाने और पढ़े जाने पे आप लोगों को आशीष दे। प्रेस द लॉर्ड। गॉड ब्लेस यू। तब तक के लिए बाय। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।